जय श्री राम। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू बहन भाइयों पर आंदोलन की आड़ में हमले किए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, माँ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन भारत की मीडिया, भारत की सरकार और भारत के सभी हिंदूवादी संगठन इस विषय पर बिल्कुल मौन है। जहाँ एक तरफ दूसरे देशों में हमारी माँ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घर फूके जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को शरण देते हैं। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों की आंखों में थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो तो अपने हिंदू बहन भाइयों के लिए आवाज उठाओ। अब घरों से बाहर निकलने और धर्म को बचाने का वक्त आ गया है। जो हाल हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ दूसरे देशों में किया जा रहा है, वही हाल भारत में होने से पहले आप सभी लोग लड़ना सीखो। मैं हिंदू रक्षा दल से जिला संयोजक युधि राणा भारत सरकार से कह देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत देश से बाहर निकाल कर फेंका जाए, वरना यह शुभ कार्य हिंदू रक्षा दल और भारत के सभी हिंदू युवा मिलकर एक साथ करेंगे। लेकिन इन लोगों को अपने देश में हम एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हाल हमारे हिंदू बहन भाइयों का बांग्लादेश में हो रहा है, वही हाल हम भारत में इन बांग्लादेशियों का कर देंगे। भले ही हमें इसके लिए कानून अपने हाथों में क्यों ना लेना पड़े, भले इसके लिए हमें फांसी पर क्यों ना चढ़ना पड़े। मैं भारत के सभी कट्टर हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, एक बड़े बदलाव के लिए तैयार रहिए। जय श्री राम, जय जगदम्बे।